नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y75 5G versus Equinio 6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y75 5G में 6.46 इंच जबकि Neo 6 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Y75 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Y75 5G में 2.98 इंच जबकि Neo 6 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Y75 5G में 0.32 इंच जबकि Neo 6 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y75 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y75 5G में 187 ग्राम जबकि Neo 6 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y75 5G में IPS LCD जबकि Neo 6 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y75 5G में 6.58 इंचेस जबकि Neo 6 5G में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y75 5G में 1080x2408 और Neo 6 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y75 5G में 84.09% जबकि Neo 6 5G में 85.3% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y75 5G में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि Neo 6 5G में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y75 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Neo 6 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y75 5G में Mali G57 MC2 जबकि Neo 6 5G में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y75 5G में MediaTek Dimensity 700 और Neo 6 5G में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें RAM की तो Y75 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि Neo 6 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y75 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Neo 6 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y75 5G में अप टू 1TB जबकि Neo 6 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y75 5G में Android V11 जबकि Neo 6 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Y75 5G में 5000 mAh जबकि Neo 6 5G में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y75 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें न्यू 6 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 33,490 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y75 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oneplus 6 5G की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Oneplus 6 5G आगे है, मेन कैमरा में Oneplus 6 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Oneplus 6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा OnePlus 9 Pro है, तीसरा Vivo V20 2021 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।